हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। दोस्तों, जैस्मिन भसीन जैसे कि घर के अंदर अली को पूरी तरह से सपोर्ट करती थी और जैसे अली भी जैस्मिन को पूरी तरह से सपोर्ट करते थे, वैसे ही घर के बाहर भी जैसे अली पर सवाल उठ रहे हैं, अब जैस्मिन खुलकर जवाब दे रही हैं। खबरें हैं कि जैस्मिन घर में हुए रीसेंट मीडिया इंटरव्यू से बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपको बताते हैं कि जैस्मिन को कौन कौन से सवाल लगे हैं बुरे और कौन कौन से जवाबों से वो नहीं हुई संतुष्ट। वेल दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बिग बॉस के घर में इस हफ्ते आप देखेंगे मीडिया इंटरेक्शन, जहां पर जर्नलिस्ट रोस्ट करने वाले हैं घर में बैठे सारे कंटेस्टेंट्स को। ऐसे में सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा था अली गोनी और जैस्मिन भसीन के मुद्दे को, और साथ ही साथ राहुल वैद्य को भी यहां पर लाया गया। वेल दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि राहुल वैद्य, अली गोनी और जैस्मिन ये तीनों ही अच्छे दोस्त थे और घर के अंदर इनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी थी। ऐसे में एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि अली ने सही वक्त पर रूबीना का साइड नहीं लिया जबकि उन्हें लेना चाहिए था, और वो राहुल वैद्य का सपोर्ट करते हुए नजर आए। हालांकि वो जर्नलिस्ट रीसेंट हुए टास्क की बात कर रहे थे जहां पर येलो टीम और रेड टीम नजर आई थी, और वहां पर राहुल वैद्य को हाथ से पुश कर दिया था रूबीना ने। इस पर अली गोनी, अभिनव और रूबीना पर काफी चिल्लाए थे और हो गया था काफी भयंकर झगड़ा। इस सवाल को लेकर घर के अंदर हुई काफी गहमा गहमी, जहां पर राहुल वैद्य, अली गोनी सब लोग अपनी अपनी बात रखते हुए नजर आए। वहीं पर घर के बाहर जैस्मिन भसीन का भी कहना है कि ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो शायद इस बिग बॉस से नहीं, वो किसी और बिग बॉस को देखकर पूछ रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि घर में आपको कोई पुश करता है और आप उसे कोई रिप्लाई बैक नहीं करते हैं, तो शायद आप स्टैंड नहीं ले रहे हैं और ये शो ही स्टैंड लेने का है। मैं भी जब तक घर के अंदर थी मैंने हर बात पर स्टैंड लिया, चाहे वो मुझ पर गलत एलिगेशंस का हो या फिर घर के अंदर किसी भी तरह की एक्टिविटी का। फिलहाल तो ये देखना ज़्यादा दिलचस्प होगा कि जब ये शो और एपिसोड आएगा तब लोग किस तरह से इन सवालों पर रिएक्ट करते हैं। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी है हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।